हेलो बच्चों, आइए हम कक्षा 9 का हिंदी प्रकरण पढ़ाएंगे, जिसके रचयिता मीरा जी हैं। और पहला पद हो चुका है, दूसरा पद क्या है? दूसरा पद क्या है? पाये जी, मैंने राम रतन धरा आप लोग सुने हैं, पायो सर। पायो जी, जी मैं तो राम रतन धर पायो, मैं तो राम रतन धर पायो, मैं तो राम रतन धन पायो। आप लोग बहुत गाय होंगे, ठीक है ना? वस्तु अमोलक दी मेरे सत, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दी, वस्तु अमोलक दी सत मेरे सतगुरु ने, मेरे सतगुरु ने मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाए, कृपा कर अपनाए। आपका नाम अपनायो, तीसरी लाइन क्या है? जन्म जन्म की पूजी पाए, जन्म जन्म की पूजी, जन्म जन्म की पूजी पाए, जन्म जन्म की पूजी पाई, फल पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोआयो, जग में सभी खोआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे खर्चे नहीं नहीं कोई खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, चोर न लेवे, लेवे ठीक, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवारे, दिन दिन बढ़त सवारे, ठीक, दिन दिन बढ़त सवाए। सबकी नाव खेवटिया सत, सत की नाव खेवटिया, खेवटिया सबकी नाव खेवटिया सतगुरु, खेवटिया सतगुरु, केवटिया सतगुरु भव सागर तर आए, भव सागर तर
आयो तर आयो ठीक। आगे लाइन मीरा के प्रभु गिरिधर नाम मीरा के प्रभु गिरिधर गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरत हरत जस गायो हरक हरक जस गायो ठीक ना हरक हरक जस गायो। मीरा जी लिखती है आप लोगों ने सुना है गाना गाया होगा पायो जी मैं तो राम रतन नहीं पायो वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु ने कृपा कर अपना है जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खवायो खर्चा नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त समायो सत की नाम खटिया सदगुरु भव सागर कर आयो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरक हरक जस गायो। आइए कुछ हम इसके अर्थ जान लेते हैं। महज माने मुझे मुझे ठीक है ना रत्न मतलब धन कहे बहुमूल्य चीज वस्तु कहे रत्न होता है ना रत्न तो धन कहे बहुमूल्य चीज कह लीजिए बहुमूल्य वस्तु कह लीजिए ठीक है मणि कह लीजिए अमूल अमूल जिसकी कोई मूल ना जिसकी कोई अमूलक जिसका कोई मूल ना कृपा माने कृपा होता है सदगुरु माने मेरे गुरु जन्म जन्म की पूजी मतलब आप जानते हैं संपत्ति पूजी का अर्थ क्या है संपत्ति ठीक है जग माने संसार खोया मतलब खो जाना ठीक है खो जाना या आइए दूसरी खर्चे मतलब खर्च खर्चे मतलब खर्च ठीक ना चोर न लेवे मतलब लेना दिन दिन बड़ा सवाल दुगुना सवाल मतलब दुगुना बढ़ता सत की नाव खेवटिया खेवटिया का अर्थ क्या था खेवन हार या मल्ला क्या होता है खेवन हार या मल्ला ठीक ना मीरा के नागर मतलब क्या होता है छत्री हरक मतलब आनंद क्या होता है आनंद हरक माने क्या होता है आनंद आनंद या हर्ष को भी कह सकते हैं ठीक है हर्ष ठीक है हर्ष दोनों कह सकते आइए हम इसका व्याख्या करते हैं इसके इसको बताते हैं ठीक है क्या कहती मीरा जी पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो मीरा जी कहती है मुझे तो वह राम रूपी मुझे क्या मिल गया राम रूपी रत्न मिल गया जिसका कोई मूल्य नहीं है मैं क्या राम रूपी रत्न धन मैंने पा ली वस्तु अमूलक दी सदगुरु ने वह वस्तु राम रतन का जो वस्तु मेरे गुरु ने दिया है वह अनमोल है वह क्या है अनमोल है वह किसने मेरे सदगुरु ने दिया कृपा कर अपना है और मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा किया इसीलिए मुझे क्या मिला राम रतन धन पाया और मैंने राम रतन को अपना लिया मैंने क्या किया राम रतन को अपना लिया जन्म जन्म की पूजी पाई मीरा जी कहती है मैंने जो राम रतन पाया है यह मैंने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया जन्म जन्म की पूजी पाई मैंने जन्म जन्म का कोई अच्छा कर्म किया जो मुझे ऐसा संपत्ति मिला ऐसी पूजी मुझको ऐसी संपत्ति मुझको राम रतन ऐसी संपत्ति मुझको मिला जग में सभी खोए और मैंने संसार में सब कुछ खो दिया मैंने राम रतन धन पा करके मैं
सब कुछ मैंने, और जो मेरे पास है मैं सब कुछ उसको छोड़ दिया, मुझे क्या मिल गया, राम रतन धन मुझको मिल गया। खर्चे नहीं कोई चोर मैंने, राम रतन धन ऐसा धन है जो खर्चा मैं उसको जो भी है वह खर्चा नहीं हो सकता, राम रतन जो धन मिला है उसको मैं खर्च नहीं कर सकती हूँ। ना कोई चोर चुरा, ना तो वह राम रतन मेरे धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता। द्विवेदी ने बढ़ा कर सवाल, जितना मैं खर्चा करूंगा, जितना मैं खर्चा करूंगी दिन 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 प्रतिदिन वह सवाय उससे अधिक दोगुना होता जाता हो जाता है। राम रतन धन पा मेरे पास ऐसा धन है जितना मैं खर्च करूंगा उससे दोगुना बढ़ता रहेगा। सती नाव खेवटिया सुनू मैं, मैंने जिस नाव पर, मैंने जिस नाव पर बैठी हूँ वह कैसा है, सत्य की, वह कैसा है, सत्य की, और मेरे केवल हार कौन है, मेरे गुरु मेरे सतगुरु हैं। मेरे मैंने जो सत्य की नाव पर बैठी हूँ वह मेरे केवल हार कौन है, मेरे गुरु मेरे केवल भाव सागर कर, और मैं इस संसार के भाव सागर को मैं पार कर दूंगी, क्योंकि मेरे केवल हार कौन है, मेरे सतगुरु हैं, मेरे गुरु केवल हार बने हुए हैं। ठीक है, मीरा के प्रभु दुर्धर नागर कहते हैं चतुर नागर माने चतुर की, वह चतुर गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, वह चतुर श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। कौन, वह चतुर गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण मेरे प्रभु, मेरे प्रभु हैं। हरक हरक दर्शना और मैं हर्ष आनंद आनंद के साथ में उस पंक्ति को मैं गाऊंगी, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक है, समझ में आया, आइए एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, संक्षेप में इसको बताते हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन का, मैं मीरा जी कहती है मैं तो राम रूपी रतन धन को पा लिया, मैंने राम रूपी रत्न को पा लिया। वस्तु अमोलक दी मेरे से, मैंने ऐसा वस्तु पाया है राम रतन रूपी, ऐसा वस्तु का जो अनमोल है, और वह मेरे गुरु ने जब कृपा की है तब मुझे वह राम रतन धन मिला है, कृपा कर वह मैंने अपना लिया, जो राम रतन धन मिला वह मैंने अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पर मैंने जन्म की ऐसी कर्म किया, जन्म जन्म पर मुझे पूंजी या संपत्ति मुझे मिली है, जग में सभी और जग में जो संसारिक भौतिक चीजें मैंने सब कुछ उसको खो दिया, कह क्योंकि मुझे क्या मिल गया, राम रतन धन मिल गया। खर्चा नहीं कोई चोर है, उसे खर्चा नहीं किया जा सकता, राम रतन ने धन मिला उसे खर्चा नहीं किया जा सकता, और कोई चोर इसको चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़ा सवाल, जितना मैं खर्च करूंगी राम रतन धन को उतना एक दिन के बदले में दो दिन के बदले में वह दुगना हो जाएगा, वह बढ़ सवाल सवा गुना बढ़ता है राम नाम का नाम। संत की नाम छवटिया मैंने जिस नाम पर शरण लिया वह सत्य की नाव है, और मेरे केवल हार कौन है, मेरे गुरु है, भाव सागर कर, और मैं भाव सागर को तरवत पार कर जाऊं, तरवत इस भाव सागर को मैं पार कर जाऊं, क्योंकि मेरे केवल हार कौन है, मेरे गुरु है। मीरा के प्रभु गिरधर लागे कहते, मीरा जी कहते मेरे प्रभु वह चतुर गिरधर अर्थात श्री गिर को धावा जो कहते हैं वह चतुर है। ठीक है, मैं उनको उनके बारे में हर्ष हर्ष हरक हरक हर्ष के साथ आनंद के साथ मैं गाती रहूंगी कि पाया मैं तो राम रतन धन पाया। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको भी जाते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या है, इस पद में, इस पद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, इस पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है,
इस पद में कौन सी शब्द का प्रयोग किया गया? ठीक है, आप सब शब्द जानते हैं, अभिधा लक्षण व्यंजन, इसी में से आपको बताना है कि कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया है और उस पद में किस भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, अभिधा लक्षण व्यंजन तीनों में से किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है ये बताना है। ठीक है ना, धन्यवाद बच्चों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।